जीमेल आईडी, उसके जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर ही होते हैं, ये लगभग सब साइबर अपराधियों को पता है, तो वो सभी पे ट्राई करते हैं। तो सभी पे ट्राई करते हैं तो ऐसे जो बोले वाले लोग होते हैं, जो या बोले वाले तो नहीं कह सकते, लेकिन जो टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे और जो जीमेल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दूर है, तो वो लोग पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखने का महत्व नहीं समझते और वो कंटिन्यू उसी से चलते रहते हैं। फिर वो एक दिन क्या होता है कि उनका जैसे ही मेल एड्रेस किसी को पता पड़ता है, वो ट्राई कर लेता है, उसका मोबाइल नंबर डाल के खुल जाता है। खुल जाता है तो उसके सारे कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट, उसका सारा एंड्रॉयड फ़ोन कंप्लीट कमांड उसके पास चला जाता है। वो आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको कॉपी कर लेते हैं और वो अपनी पहचान को छुपाते हुए आपसे पैसे मांगते हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जिस आदमी को आप फेसबुक के जरिए जानते हैं, व्हाट्सएप के जरिए जानते हैं, और वो आदमी यदि आपसे पैसे मांग रहा है मैसेज से, तो आप, मेरा तो ये कहना है कि उसको फिजिकली कॉल करके पूछ लीजिए। सबसे बढ़िया इलाज है फिजिकली कॉल करके पूछ लीजिए कि भैया आप मेरे से पैसे मांग रहे हो, आपका मैसेज मिला है, बताओ भैया क्या तकलीफ आ गई। दूसरी बात यह है कि जिस आदमी से आप व्यक्तिगत रूप से मिले नहीं हैं, जिसको आप जानते नहीं हैं, जिससे आप केवल फेसबुक पे दोस्त बने हैं, व्हाट्सएप पे दोस्त बने हैं, आप, मैं तो कह रहा हूँ बिलीव ही मत कीजिए। क्या पता लड़की के नाम से लड़का हो, लड़के के नाम से लड़की हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी हो सकता है और किसी प्रकार का अपराध हो सकता है। आदमी कैसी भी आईडी, वर्चुअल आईडी बनती है आजकल, तो इसलिए क्या है, इन पर विश्वास बिल्कुल नहीं करें। और जिस आदमी को आप फिजिकली जानते हैं, एक बार मिल चुके हैं, दो बार मिल चुके हैं, जिस पर आप विश्वास रखते हैं, उसी के साथ में किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन करें और फिजिकली मिलने के बाद करें। और मैं तो ये कहूँगा ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करें, फिजिकली ट्रांजेक्शन करें। जैसे मान लो आपकी एक छोटी सी गलती बड़ी समस्या बन सकती है, इसी मैं बात कर रहा हूँ। वर्तमान समय में फैली साइबर क्राइम से लेकर अनेकों संभावनाएं हैं, जो लगातार आपसे सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया में आपने ये खबरें काफ़ी देखी होगी। जो अकाउंट होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट की बात करें, उनके कनोल बनाकर पैसे हड़पने जैसी परिस्थितियां सामने भी आई हैं। वर्तमान समय में ये लगातार बढ़ते जा रही है। इसी विषय में आज बातचीत करने के लिए नवलगढ़ थाना अधिकारी सुनील जी शर्मा हमारे साथ मौजूद है। इनसे आजकल ये जानकारी लेते हैं कि किस तरीके जो परिस्थितियां बनती हैं उनसे बचा जा सकता है। सर पहले तो स्वागत आपका नवलगढ़ एक्सप्रेस में। हाँ धन्यवाद भैया। वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं कि लोगों के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं उनके क्लोन मारकर पैसे हड़पने जैसी, उनसे धमकियां देनी, ऐसे कुछ मामले लगातार वर्तमान समय में फैले, तो कैसे लोग उनसे बचाव कर सकते हैं? क्योंकि आज अगर वर्तमान समय में इसकी बातचीत करें तो बहुत तेज़ी से फैल रहा सर। भाई अभी इन दिनों यदि आप अखबार भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी देखने को मिलता है। तो जहाँ तक इन अपराधों के घटित होने की बात है, तो ये कहीं ना कहीं पर हमारी खुद की असावधानी से ही घटित होते हैं। और मोबाइल क्लोन होने की बात है, तो मोबाइल क्लोन के लिए तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आजकल आप सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। आप कभी भी देखिएगा आईफोन में कभी भी ये ऐसी आईडी है कोने वाली समस्या नहीं आती, क्योंकि एप्पल आईडी जो होती है वो आईफोन उससे चलता है और वो है कि नहीं हो पाता लोगों से। और जबकि एंड्रॉयड आईडी होती है वो जीमेल से चलती है, तो जीमेल से जो आईडी चलती है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो प्राय करके जब भी फ़ोन खरीदते हैं तब वो मेल आईडी बनाते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनको जिस दुकान में फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो फ़ोन चालू दुकान वाले से करवाते हैं, सिम उससे डलवाते हैं, उसके बाद में जैसे ही वो कोई मांगता है आईडी, तो जीमेल आईडी, तो उन दुकान वाला उनसे पूछता है तो कहते हैं मेरे पास कोई जीमेल आईडी नहीं है। फिर उसके बाद में दुकान वाले को कहते हैं आप ही बना दो, तो दुकान वाले जीमेल आईडी बनाता है। फिर दुकान वाला उसको पूछता है पासवर्ड क्या रखो, तो पासवर्ड वो कहते हैं कि भाई तेरी इच्छा हो जो ही रख दे। फिर वो दुकान वाला इजीली कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ आपके मोबाइल नंबर में इसमें एक बार डाल देता हूँ, आप चेंज कर लेना। तो चूंकि वो इस्तेमाल नहीं करते हैं जीमेल का, तो इसलिए उस मोबाइल नंबर को ही आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो एक ये प्राय करके फैशन सा हो गया कि अब वो जो आपकी जीमेल आईडी, उसके जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर ही होते हैं, ये लगभग सब साइबर अपराधियों को पता है, तो वो सभी पे ट्राई करते हैं। तो सभी पे ट्राई करते हैं तो ऐसे जो बोले वाले लोग होते हैं, जो या बोले वाले तो नहीं कह सकते, लेकिन जो टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे और जो जीमेल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दूर है, तो वो लोग पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखने का महत्व नहीं समझते और वो कंटिन्यू उसी से चलते रहते हैं। फिर वो एक दिन क्या होता है कि उनका जैसे ही मेल एड्रेस किसी को पता पड़ता है, वो ट्राई कर लेता है, उसका मोबाइल नंबर डाल के खुल जाता है। खुल जाता है तो उसके सारे कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट, उसका सारा एंड्रॉयड फ़ोन कंप्लीट कमांड उसके पास चला जाता है। उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी करके और उसके जो अन्य सिस्टम है सारे के सारे उनके पास चले जाते हैं। अब इसके बाद में दूसरी बात आती है कि अब वो वापस उसको अपडेट कर ले, तो वापस भी उसको अपडेट नहीं कर पाता। कारण ये है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो ऑन नहीं करता, टू फैक्टर के अंदर वो उसके जो मोबाइल नंबर खुद का कनेक्ट कर लेते हैं जो अपराधी होता है जो, तो इस प्रकार से फिर वो हमारे पास आने पे आते हैं या वो परेशान होते हैं, लोगों को पूछता मेरी आईडी हैक हो गई, आईडी हैक हो गई। एक्चुअली आईडी हैक नहीं हुई है कभी भी, हैकिंग एक बिल्कुल अलग चीज़ है।
वो उनकी असावधानी की वजह से उनके पासवर्ड जो रैंडमली उसने प्राप्त कर लिए और उससे वो उसको एक्सेस कर रहा है। इसको हैकिंग नहीं कह सकते, हैकिंग की श्रेणी में नहीं आता। बस किस प्रकार बचाव हो सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर सोशल मीडिया देखें तो व्हाट्सअप या फेसबुक इन दो चीज़ों पर ज़्यादा सक्रिय देखें, जो जितने भी गिरोह होते हैं ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं, व्हाट्सअप पर क्लोन बना रहे हैं, ऐसे रहते हैं कि हमारा व्हाट्सअप हैक हुआ, तो किस रूप में देखें जो भी इसका चीज़ का शिकार हो रहे हैं। देखिए अब ये जीमेल वाली जो अपन ने अभी बात की थी, तो जीमेल वाले में तो देखो सबसे पहले उसका बचाव बता दूं, उसका बचाव ये है कि आप ऐसा कोई इजी पासवर्ड कभी भी नहीं रखें जो कि कोई भी आदमी उसको एक्सेस कर ले। जैसे आपको मोबाइल नंबर, कार का नंबर, जन्मतिथि, पत्नी का नाम, बच्चों का नाम, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, पत्नी की डेट ऑफ बर्थ, तो लोग के याद रखने के लिहाज से इजी याद रखने के हिसाब से करते हैं, तो ये तो कोई भी ट्राई कर सकता है, किसी को पता पड़ सकता है। तो आप पासवर्ड को सबसे पहले आपका अपडेट रखें। इसके अलावा जो जीमेल से जो कनेक्ट है आपका मोबाइल नंबर, वो आपका खुद का मोबाइल नंबर रखें, और यदि कनेक्ट नहीं कर रखा है तो उसको कनेक्ट कर लें। जीमेल के साथ में एक सप्लीमेंट्री ईमेल आईडी भी दी जाती है जिस पे आप पासवर्ड की रिकवरी कर सकते हो, तो उसके अंदर अपना को दूसरा जो ईमेल है उसको अपडेट करें, ताकि कभी आपका मान लो जीमेल वगैरह कोई हैकिंग भी हो जाए तो उसका पासवर्ड किसी अन्य पे नहीं जाके आप वाले पे आए। तो ये तो आप सबसे पहले आपके मोबाइल क्लोनिंग को बचाने का तरीका हो गया, और आपकी जीमेल आईडी को सेव करने का तरीका हो गया। और आप ये 99.9% लिखिए कि हैकिंग की, अभी देखो सिक्योरिटी पैच आते रहते हैं जो नए नए अपडेटेड मोबाइल आते हैं, हैक करना बहुत कठिन है, हैक करना बहुत कठिन है। ये केवल अपनी लापरवाही है जो अपन जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं रखते, बाकी जीमेल का केवल एक्सेस प्राप्त करते हैं, कोई हैकिंग नहीं होती। अगर इस चीज़ में कोई जिसका शिकार हो रहा है साइबर क्राइम जैसे का, तो कहाँ वो सूचना दे सकता है, किस प्रकार इसे बच रहा? देखिए साइबर क्राइम के यदि आप शिकार हैं तो साइबर क्राइम कई टाइप का है। साइबर क्राइम में एक तो ये होता है कि जो हाई टेक्नोलॉजिकली जो हैकिंग हो गई वो हो गई, इस टाइप की चीज़ें हो गई। दूसरा ये है कि अपने एक लापरवाही से हो गई, ठीक है। तीसरा ये है कि आपकी आईडी का एक्सेस किसी के पास चला गया। तो ये आजकल के अपराध काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसके चलते फेसबुक, व्हाट्सएप जो कंपनियां हैं, इन्होंने अलग से अपना हेल्प पेज जारी कर रखा है। उस हेल्प पेज पे आप किसी भी 5 आदमियों से यदि रिपोर्ट कराते हो, 5 आदमी बोले तो वो 5 इंस्टाग्राम अकाउंट हो गए, 5 फेसबुक अकाउंट हो गए, वो जाके यदि रिपोर्ट करेंगे कि भाई ये गलत है और इसको किसी ने क्लोन कर लिया है, या जो भी समस्या आ रही है इसकी, मतलब इसका एक्सेस इसके पास अब नहीं रहा, कोई दूसरा आदमी एक्सेस कर रहा है, तो इमीडिएट इफेक्ट से फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह उसको 2 घंटे भी बंद कर देते हैं। जबकि मैंने ये देखा है कि लोग जो पुलिस का चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, क्यों? लोगों को वही मैं आपको फिर कहूँगा, नॉलेज का अभाव है। पुलिस इस मामले में किस प्रकार की कार्रवाई कर पाती है भाई? पुलिस तो उनको राय दे पाती है, भाई आप लोग अपडेट रहिए, आप जिस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं, आप जिस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले उसकी टर्म्स हैं, शर्तें हैं, उनको पढ़िए। आप उसकी हेल्पलाइन के बारे में जानकारी रखिए कि इसके हेल्प पेज पे मुझे कैसे एक्सेस करना है, यदि कल को कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आप उसके हेल्प पेज को एक्सेस करें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पुलिस कार्रवाई करती है तो उसको 24 घंटे से भी ज़्यादा समय लगता है कई बार उसको रोकने में, और जबकि आप, मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से यदि एक्सेस करते हैं तो घंटे, आधे घंटे के अंदर ही आपका वो सारा का सारा जो काम आप चाहते हैं वो जो एक्सेस अगले के पास चला गया वो स्टॉप हो जाता है, आईडी ब्लॉक हो जाती है और सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। परंतु ये तो मैं जनता की ना समझी भी कहूँ या जानकारी का अभाव कहूँ, लोगों को पता ही नहीं है, वो थाने के चक्कर काटना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि अपनी जानकारी को अपडेट करना पसंद नहीं करते, जबकि उनका इलाज उनके मोबाइल में ही है, इंटरनेट पर उपलब्ध है। वो सर बात करें तो उनके द्वारा जो भी ये कर रहे हैं, उनके द्वारा एक छोटा सा मैसेज था कि अर्जेंट है, मुझे ये कर दे, जो फ़ोन पे कर दे, गूगल पे कर दे, लेकिन वो कॉल पे बात हो नहीं पाती, शायद यही वो बड़ी गलती रहती है जिसके बदले तो वो पैसे ट्रांसफ़र उनको कर दिए जाते हैं। देखिए अब इसमें भी दूसरी चीज़ आ गई, ये वो जो जीमेल आईडी वाला मैं बता रहा था उसी का एडवांस रूप है, वो आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट उसको कॉपी कर लेते हैं और वो अपनी पहचान को छुपाते हुए आपसे पैसे मांगते हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जिस आदमी को आप फेसबुक के जरिए जानते हैं, व्हाट्सएप के जरिए जानते हैं, और वो आदमी यदि आपसे पैसे मांग रहा है मैसेज से, तो आप, मेरा तो ये कहना है कि उसको फिजिकली कॉल करके पूछ लीजिए, सबसे बढ़िया इलाज है, फिजिकली कॉल करके पूछ लीजिए कि भैया आप मेरे से पैसे मांग रहे हो, आपका मैसेज मिला है, बताओ भैया क्या तकलीफ़ आ गई। दूसरी बात यह है कि जिस आदमी से आप व्यक्तिगत रूप से मिले नहीं हैं, जिसको आप जानते नहीं हैं, जिससे आप केवल फेसबुक पर दोस्त बने हैं, व्हाट्सएप पर दोस्त बने हैं, आप, मैं तो कह रहा हूँ बिलीव ही मत कीजिए, क्या पता लड़की के नाम से लड़का हो, लड़के के नाम से लड़की हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी हो सकता है, और किसी प्रकार का अपराध हो सकता है, आदमी कैसी भी आईडी, वर्चुअल आईडी बनती है आजकल, तो इसलिए क्या है, इन पर विश्वास बिल्कुल नहीं करें। और जिस आदमी को आप फिजिकली जानते हैं, एक बार मिल चुके हैं, दो बार मिल चुके हैं, जिस पर आप विश्वास रखते हैं, उसी के साथ में किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन करें और फिजिकली मिलने के बाद करें। और मैं तो ये कहूँगा ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करें, फिजिकली ट्रांजेक्शन करें। जैसे मान लो मैंने 500 रुपये मांगे आपसे, तो 500 रुपये मांगे तो भैया आप मेरे से मिलके दे दीजिए मेरे को 500 रुपये, मैं आपको जानता हूँ, आपने मेरे से पैसे मांगे तो आप मिलके ले लीजिए मेरे से 500 रुपये, कहाँ तकलीफ़ है।
और कम से कम एक बार बात कर लेना तो बनता ही है कि एक बार आप मेरे से बात तो कर ही लें। अब आप मेरे एक व्हाट्सएप के मैसेज भी पैसे भेज रहे हैं, डिपॉजिट करा रहे हैं मेरे को, और आपको यही नहीं पता मेरा अकाउंट नंबर क्या है, और आपको यही नहीं पता कि अभी मेरा मोबाइल हैक हो गया है, क्या हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या है कि इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। बार बार हम समय समय पे मैसेज नोट्स भी जारी करते रहते हैं, रोज़ अखबार में पढ़ते हैं, पर तो फिर भी पता नहीं लोग क्यों गए बगाए, मतलब इन चीज़ों में लापरवाही बरतते। सर, वर्तमान समय में एक स्थिति और है कि हनी ट्रैप जैसे मामले भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उस समय में कैसे लोग बचाव है अपना कर सकते हैं? आप इस बात को भी देखें, हनी ट्रैप वाले मामले में, हनी ट्रैप वाला मामला जो आप बोले, हनी ट्रैप एक अलग चीज़ हो गई। आप एक्चुअली जो साइबर बुलिंग होती है आप उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें ये होता है कि किसी का अश्लील वीडियो बना लिया जाता है। एक्चुअली इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसको पहले क्राइम को समझना ज़रूरी है। इसमें ये होता है कि किसी अनजान व्हाट्सएप नंबर से हमारे पास कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है। एक्चुअली क्या है कि हम जिस प्रकार का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं इसको बार फोन कहते हैं। बार फोन बोले तो बिल्कुल सपाट, एक सिल्ली के जैसा फ़ोन। फ़ोन कई प्रकार के आते हैं, जैसे दो पीस में भी आते हैं, मुड़ने वाले फोल्डेबल भी आते हैं, पहले आपने इस्तेमाल भी किए होंगे पुराने टाइम में। तो हम जो बार फोन इस्तेमाल करते हैं, बार फोन को हम जैसे इस्तेमाल करते हैं तो उसके जैसे हम स्क्रीन को देखते हैं तो स्क्रीन के साथ कैमरा भी, फ्रंट कैमरा हमारे ठीक सामने आ जाता है। जैसे हम कॉल उठाते हैं तो कॉल उठाते ही हमारे क्या होता है, कैमरा चालू हो जाता है। कैमरा चालू होते ही आगे जो महिला होती है फंसाने के लिए जो भी होती है वो अपने निर्वस्त्र हो जाती है और स्क्रीनशॉट ले लेती है, और फिर आपकी वो जीमेल आईडी पहले से हैक होती है तो फिर आपके रिश्तेदारों को, मिलने वालों को भेजना शुरू कर देते हैं, आप ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल उपाय है, बहुत सिंपल उपाय है कि आप केवल आपके फ्रंट कैमरे पे उंगली रख दें और उसके बाद में आप कॉल रिसीव, अनजान नंबर से कॉल आ रहा है, किसी भी अनजान नंबर से कॉल, फ्रंट कैमरे पे उंगली रख दें और उसको रिसीव कर लें। अब वो स्क्रीनशॉट भी ले लेगा तो आपकी फोटो आ ही नहीं सकती। बट ये तो बहुत ही जनरल कॉमन सेंस का सा सॉल्यूशन है, इसको तो मेरे ख्याल से सबको अप्लाई कर लेना चाहिए, इसमें कोई टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये ऐसे ही है कि जैसे अमेरिका वालों ने जो भी $20 करोड़ खर्च करके पायलट पेन बनाया अंतरिक्ष में लिखने के लिए, और जापानी लोग जो पेंसिल से लिख लेते थे। ये कहते हैं कि सावधानी से उपाय है, फिलहाल सावधानी बरतनी जरूरी है। सावधानी से भी ज़्यादा जरूरी ये है कि आप टेक्नोलॉजी से अपडेट रहें, आप जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। आप जो फ़ोन खरीद रहे हैं एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्पल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप और विंडोज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सभी टेक्नोलॉजी से अपडेट हों, उसके बाद में उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, ना कि देखा देखी फ़ोन खरीदें और देखा देखी हम अंधानुकरण करें। अंधानुकरण करने से बचें, और अंधानुकरण करने जो कोई भी आदमी करता है तो हमेशा ही नुकसान खाता है। या हमारे दर्शकों को, नवलगढ़ वासियों को क्या कुछ कहेंगे जो लगातार इन घटनाओं का शिकार हो रहे हैं? तो ये रहा है कि अगर जितने भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कहीं ना कहीं आपको एक परमिशन मांगी जाती है, शायद ही वो परमिशन आप बिना चेक किए उनको परमिशन देते हैं, यही शायद मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती रही होगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग सभी आपके फ़ोन बुक का, कैमरे का, माइक्रोफोन का, सबका परमिशन मांगते हैं। अभी जैसे आप मार्केटिंग के जितने भी ऐप एप्लीकेशन है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जहाँ आप ऑनलाइन खरीदारियाँ वगैरह करते हैं, आप नोट कीजिएगा वो आपको माइक्रोफोन का परमिशन मांगते हैं। माइक्रोफोन का परमिशन आप ग्रांट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी बातों को सुन सकता है 24 घंटे, वो जब चाहे तब आपका माइक्रोफोन ऑन कर सकता है। और आप इसका उदाहरण ये देखिए कि यदि दो से तीन आपके यहाँ पे यदि शॉपिंग ऐप जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट टाइप के जो कई शॉपिंग ऐप है मार्केट में, आप उनको इंस्टॉल कर लीजिए और उनको आप परमिशन दे दीजिए, उसके बाद में आप बैठ के कार की बातें कीजिए 2-3 दिन तक। थोड़े दिनों बाद में मालूम पड़ेगा गूगल आपको कार के ऐड दिखा रहा है। आप स्ट्रॉबेरी की बातें कीजिए, स्ट्रॉबेरी के ऐड, पिज़्ज़ा की बात कीजिए, पिज़्ज़ा के ऐड ऑटोमेटिक आने लग जाए। आप दिमाग नहीं लगाते, आप ये सोचते नहीं है कि इस मोबाइल को, इस नेट इंटरनेट को कैसे पता पड़ रहा है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप मकान खरीदने की बातें कीजिए तो आपके प्रॉपर्टी डीलरों के आपके कोटेशन आने लग जाएंगे आपके, तो वो माइक्रोफोन का एक्सेस है, आपने माइक्रोफोन का एक्सेस खुद ने दिया है, आपने यस किया है, आपके यस करने के बावजूद, यस करने के कारण आपकी प्राइवेसी में सैन लग गई। अब इन कंपनियों को सब पता है, आपका पूरा डेटा लीक हो चुका है, इनको सब पता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, वो आपको वैसे विज्ञापन दिखा रहे हैं, वैसे अवसर दे रहे हैं कि वो आप उनका प्रोडक्ट खरीदें। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, परंतु लोग समझते नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, डायरेक्ट मजे लेना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के। तो ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज़ मज़ा आता है तो उसके साथ में सजा भी आती है। तो इस प्रकार से हमारे को अवगत होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से अपडेट होना चाहिए। शिकार होने के बाद में यदि हम कहते हैं हम तो बोले वाले लोग हैं तो ये नहीं चलती भैया, ये गलत बात है। और हम पहले चीज़ की जानकारी रखें, प्रोडक्ट खरीदें, देख के खरीदें, बूझ के खरीदें, और उसके इस्तेमाल, उसके फ़ायदे दोनों समझें, और उसके बाद में जानबूझकर ही हम कोई भी काम करें। तो ये थे हमारे साथ नवलगढ़ थाना अधिकारी सुनील जी शर्मा। किस तरीके से आप इस जो साइबर क्राइम की वर्तमान समय में आपकी जो क्लोन बनाए जा रहे हैं व्हाट्सएप या फेसबुक या अन्य जो सोशल मीडिया है, किस तरीके से लूट भी किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं? वीडियो को अच्छा लगे तो आप शेयर है जरूर कीजिए। अगर आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से।